उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के क्षेत्र की दो पंचायतें पूरे जिले में 100% वैक्सीनेशन वाली पंचायत बन गई है। बदनावर तहसील के खटकारा व जवासिया गांव 100% वैक्सीनेशन वाले गांव बन गए हैं। इन दोनों गांव में रहने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कोरोना टीके का प्रथम डोज लग चुका है। टीकाकरण महाअभियान के तहत ग्राम खटकारा व जवासिया में 100% टीकाकरण हुआ। दोनों पंचायत को 100% वैक्सीनेशन वाली पंचायत बनाने में कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, ADM सलोनी सिडाना व जिला पंचायत CEO आशीष वशिष्ठ का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। दोनों पंचायतों में गांव में घर घर जाकर लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया गया था। इसी का नतीजा हुआ कि अब दोनों पंचायत 100% वैक्सीनेशन वाले गांव बन गए हैं। हालांकि गर्भवती महिलाएं गांव छोड़कर अन्य शहर चले गए लोगों व पहले जिन लोगों का कोरोना हो चुका था उन्हें व धात्री महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगाई गई है। 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाले 1256 लोगों को घटगारा में व 918 लोगों को जवासिया में वैक्सीनेशन लग चुका है। जनपद पंचायत बदनावर के जिले के एडिशनल CEO व बदनावर जनपद पंचायत के प्रभारी CEO NS नवारिया ने गत दिनों ग्राम के प्रमुख लोगों की बैठक लेकर घर घर सर्वे करवाया था। गांव के लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह था। दोनों गांव पंचायत को 100% वैक्सीनेशन वाला गांव बनाने के लिए श्री नरवारिया के साथ ही SDM वीरेंद्र कटारे, तहसीलदार अजमेर सिंगौड़ आदि कई दिनों से लगे हुए थे। श्री नरवारिया ने बताया कि दोनों पंचायत घटगारा व जवासिया पूरे जिले में 100% वैक्सीनेशन वाली पंचायत बन गई हैं। आगामी दिनों में अन्य पंचायतों को भी 100% वैक्सीनेशन वाली पंचायत बनाने की तैयारियां चल रही हैं। दोनों पंचायतों को आगामी दिनों में पुरस्कृत भी किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया TV के लिए बदनावर से रोशन डिग्नोदय के साथ बंटी सिंह चौहान की रिपोर्ट। मनोज जी, जिलाधीश महोदय आदरणीय आलोक सिंह साहब का निर्देश और हमारे CEO जिला पंचायत महोदय आशीष वशिष्ठ का निर्देश और हमारे ADM मैडम महोदय के निर्देश के आधार पर जिले में वैक्सीनेशन अभियान को बहुत तेज़ी से कराया जा रहा है। इसी क्रम में मेरे द्वारा बदनावर जनपद पंचायत की 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया, इसमें घटगारा और जवासिया थी। दोनों पंचायतों में मैं शुक्रवार को गया था, तो उस दिन मैंने सभी ग्रामीणजनों को, वहाँ के वॉलेंटियर्स को, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक की। दोनों ग्राम पंचायतों में बड़ा उत्साह था वैक्सीनेशन के प्रति और उसकी परिणति हुई 26 तारीख को ग्राम पंचायत घटगारा में 381 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया और हमारी वैक्सीन समाप्त हो गई थी। इसी तरह से 326 लोगों ने लगभग ग्राम पंचायत जवासिया में वैक्सीनेशन कराया था, वहाँ भी वैक्सीनेशन समाप्त हो गई, तो हमारे ग्रामीणजन वंचित रह गए थे उधर पूर्ण वैक्सीनेशन कराने से। किंतु फिर से आदरणीय कलेक्टर महोदय, ADM महोदय और CEO महोदय के निर्देश पर हमें दोनों गांव के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो गई, तो आज हम दोनों गांव में सुबह से ही मैं खुद जा कर के मैंने प्रयास किया, डोर टू डोर लोगों को निवेदन किया, जनप्रतिनिधियों ने बड़ा सहयोग किया, हमारे गांव के जो वॉलेंटियर्स थे और हमारे गाँव ग्रास रूट लेवल के जो कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, GRS, सचिव, पटवारी, इन लोगों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया और घर घर जाकर के माता बहनों को, वृद्धों को, कई वृद्धों को लोग मोटरसाइकिल पर बिठा बिठा कर हमारे वॉलंटियर्स लाए। इस तरह से हम पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए और इस सफलता के पीछे हमारे जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका लगातार मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा ही इस कार्य को करने के लिए हमें आकर्षित करती रही और उसका परिणाम है कि आज धार जिले की 2 ग्राम पंचायतें सर्वप्रथम रूप से जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त करके 100% वैक्सीन कराने में सफल हुई। इसको लेकर जो वैक्सीनेशन का जो महाअभियान जो जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन हमारे यहाँ पर माननीय मंत्री साहब राजवर्धन सिंह जी और कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था और उन्होंने यहाँ पे वैक्सीनेशन के प्रति जनता की जो जागरूकता थी उसको देखकर उन्होंने कहा कि क्या आप 100% इसको करवा सकते हैं। तो हमने मंत्री से निवेदन किया कि आप हमें टीके पहुँचाएँ तो हम इसको 100% बिल्कुल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमने गांव में चर्चा करी पंचायत के माध्यम से यहाँ के युवा कार्यकर्ताओं को और इनसे सबसे मिलकर हमने चर्चा करी कि कोई मंत्री जी का आग्रह है कि आप यहाँ पे क्या 100% वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, तो अपन ने हाँ करी क्या करें, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम तैयार हैं। तो सभी युवा साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, सचिव और ये सभी ने मिलकर हमने घर घर जाकर जनता को जागरूक किया और उसका हमें परिणाम भी मिला और परिणाम स्वरूप आज हमारा गांव 100% की ओर पूरा हो चुका है। इसमें जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं वो बच चुके हैं और जो धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं
उनको छोड़कर हमारा 100% पूरा रहा। और इसमें हमारे प्रेरक मनोजी सोलंकी का भी बहुत सराहनीय योगदान रहा। मैं सभी ग्रामवासियों और जो युवा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के सभी और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।